तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे SBI के बारे में। क्या स्टॉक को आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, और अगर ऐड करना चाहिए तो किस प्राइस में आपको उसको ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, और क्या ये स्टॉक आपका मल्टीवेगर साबित हो सकता है, इसके ऊपर एक बार हम देख लेते हैं। और मेरे कुछ तथ्य है इसके ऊपर, तो आप प्लीज़ एक बार इनको चेक कर लीजिए। और डेफिनेटली अगर आपको बाय करना तो ये स्टॉक डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब उसका रीज़न क्या है, इसमें मैं पर्सनली कैसे स्टॉक चूज़ करता हूँ वो आपको बतलाऊंगा। एक होगा मेरा फंडामेंटली एनालिसिस, जिसमें मैं सिंपली जो मैं यूज़ करता हूँ वो आपको बतलाऊंगा, और एक है आपका टेक्निकल। तो दोनों को हम मर्ज करके जानेंगे कि ये स्टॉक क्या मल्टीवैगर हो सकता है आने वाले वक्त में, और ये कितना ऊपर जा सकता है ये भी हम देख लेंगे। तो अगर आप चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। जो ये स्टॉक है आपका SBI, ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, राइट। मेरे हिसाब से आपको इसमें बाय करके चलना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए एट ऑल कि आपको उसको बाय करके नहीं चलना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक अच्छा खासा सबसे ऊपर आता है, तो आपको उसको बाय करके चलना चाहिए। हाल फिलहाल अभी ये गिर रहा है तो, लेकिन ये आपका एक तरह का बाय जोन है, जो भी नीचे गिर रहा है बाय अपॉर्चुनिटी है। 5 सालों में नीचे आता है 145 के लेवल्स में, और 145 के लेवल से काफ़ी अच्छा बाउंस दिखाता है, तो डेफिनेटली आपको बाय करके चलना चाहिए इसको 145 के लेवल में, ठीक है। तो एक तो रीज़न ये है कि 145 एक सपोर्ट एरिया, डेफिनेटली वहाँ बाय बनता है। और दूसरा जो रीज़न है, जो मैं पर्सनली चेक करता हूँ, देखो कोई भी स्टॉक को अगर चेक करना है कि स्टॉक अच्छा है, कैसे पता चलेगा, बहुत जो लोग प्रॉफिट एंड लॉस है बैलेंस शीट चेक नहीं करना चाहते, तो मैं उनके लिए सिंपली एक हैक है वो दे रहा हूँ। हैक को क्या है, देखिए मैं कैसे यूज़ करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं दो चीज़ें देखता हूँ। अगर स्टॉक अपना एक लास्ट स्विंग जो होगा, लास्ट हाई स्विंग का मतलब जो लास्ट हाई, अगर वो ब्रेक कर रहा होगा, मतलब हाई से तोड़ रहा होगा, इसका मतलब ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। क्या बोला मैंने, अगर कोई स्टॉक अपना जो लास्ट स्विंग है वो अगर ब्रेक कर रही होगी, इसका मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो अगर आप चेक करोगे जो ये स्टॉक है, ये अपना लास्ट हाई ब्रेक किया इसने, यहाँ भी टेस्ट किया, यहाँ भी टेस्ट किया, यहाँ भी टेस्ट किया, इसका मतलब ये कंपनी प्रॉफिट में है, क्योंकि ये अपने लास्ट स्विंग तोड़ रही है। जो उसका लो लगा था 2009 में, उसके लगातार ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर दोबारा ऊपर गया, इसका मतलब ये कंपनी प्रॉफिट में है। एक तरीका ये है कैंडल चेक करने का, और दूसरा तरीका क्या है वो आपको बता देता हूँ मैं कैसे चेक करता हूँ कि मुझे ये अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना, वो है कभी भी कोई भी स्टॉक को अगर आप बाय करो तो। एक दूसरा हैक है, वो दूसरा हैक ये है कि आप सिंपली कुछ मत करो, इसका ना शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करो। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली सबसे नीचे जाना है, ये मनी रेडिप की मैंने वेबसाइट खोल रखी है, जनरल पब्लिक में जाके क्लिक करना है, वहाँ देखना है कि जनरल पब्लिक कितनी है। जनरल पब्लिक का मतलब ये हमारे रिटेल पीपल जो होते हैं वो, देखिए यहाँ पर जो जनरल पब्लिक है मात्र 6% है, इसका मतलब इस स्टॉक में जनरल पब्लिक बिल्कुल भी नहीं है। तो डेफिनेटली ये आपको बाय करके चलना चाहिए, जो भी स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न ऐसा हो जिसमें जनरल पब्लिक बिल्कुल ही कम हो, आपको डेफिनेटली उसको बाय करके चलना चाहिए, और जिसमें उसके प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा हो। तो देखिए इसमें उसकी प्रमोटर्स ऑलमोस्ट 57% है, और जो बैंक इंस्टीट्यूशन है ऑलमोस्ट 11% के आसपास है, और FIIs इसमें 10% के आसपास है। तो डेफिनेटली आपको उसको बाय करके चलना चाहिए, क्योंकि इसमें जनरल पब्लिक का जो रेशियो है बहुत कम है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप उसको बाय करके चल सकते हो, और इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इसको बाय कीजिए। जनरल पब्लिक इसमें बहुत कम है, रिटेल भी बहुत कम है, जिसमें रिटेल कम होता है डेफिनेटली स्टॉक को भगाते हैं। तो ये नंबर आने वाले वक्त में जैसे मार्केट थोड़ी स्टेबल होती है, डेफिनेटली ये स्टॉक आपको काफ़ी ऊपर के लेवल दिखा सकता है, तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। दूसरा रीज़न ये है, पहला तो आपको मैंने टेक्निकल बताया था, 145 का सपोर्ट है, दूसरा ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है, और जो तीसरा रीज़न है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आपको पता है कि बहुत सारे बड़े बड़े जो आपके ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं वो अपना टारगेट देते हैं किसी स्टॉक का, कि वो स्टॉक में बेरिश है बुलिश है। तो अगर आप चेक करोगे कि ऑलमोस्ट सभी जो आपके ब्रोकरेज हाउसेज है उनका जो टारगेट है वो मोर देन 200+ का है, ठीक है, 250 रुपये के आसपास का है, किसी किसी का 350 रुपये के आसपास का है। तो ऑलमोस्ट सब ने जो टारगेट है बढ़ के दिए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप डेफिनेटली इसमें बैट लगा सकते हो, क्योंकि ये जो लोग हैं जो इनके पास इतनी बड़ी टीम है, राइट, इनके पास इतनी बड़ी टीम है जो एनालिसिस करती है, तो आप इनकी टीम को यूज़ करो फॉर अपने स्टॉक सिलेक्शन में। रीज़न है यही है कि जो ब्रोकरेज हाउसेज है उनको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है किसी स्टॉक को सिलेक्शन करने में, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप उनका एक्सपीरियंस चोरी करो और उसको अपने स्टॉक सिलेक्शन में ऐड करो। इसलिए कह रहा हूँ आप इसको बाय करके चल सकते हो।
एचडीएफसी सिक्योरिटी ने भी इसका टारगेट दे रखा 302 रुपये का, और जो अच्छे अच्छे जो भी आप बोल सकते हो रिलायंस सिक्योरिटी ने भी टारगेट दे रखा 298 रुपये का, ठीक है। तो इसमें सब ने जो टारगेट दिया, मोतीलाल ओसवाल ने भी 336 रुपये का टारगेट दे रखा है, तो आप इसको बाय करके चल सकते हो। जो रिपोर्ट होगी इसकी, इन्होंने आप पीडीएफ भी शेयर कर रखी है कि आपको क्यों इसको बाय करके चलना चाहिए। तो ये रिपोर्ट आप जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हो। तो सिंपली आप इसको बाय करके चल सकते हो। जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस इसमें बुलिश है, तो आप इसमें सेल करके क्यों चलोगे, सिंपल सा लॉजिक लगाओ, तो आप इसमें बाय करके चलिए। पहला रीजन मैंने आपको समझा दिया है, टेक्निकल सपोर्ट है 145, बाय कर सकते हो। दूसरा जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है काफ़ी बढ़िया है, जनरल पब्लिक ना के बराबर है। तीसरा जो आपके ब्रोकरेज हाउसेज है, जैसे आपका HDFC सिक्योरिटी, रिलायंस सिक्योरिटी, ICICI सिक्योरिटी, सब ने इसका टारगेट 300+ दे रखा है, तो डेफिनेटली आप इसको बाय करके चल सकते हो। और एक और चीज़ जो मैं आपको अब चार्ट में समझाता हूँ कि मैं इसको बाय करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, आप चार्ट में देख लीजिए, आप देख सकते हो ये सपोर्ट एरिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और अगर नीचे आता भी ये शेयर ये तो ये 100 रुपये तक आ सकता है। तो आप क्या करना, मैं आपको एक स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप 150 रुपये में पूरा का पूरा माल भर लो। आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए अगर आपको 50,000 रुपये की बाइंग करनी है, तो आप अभी 30,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए 150 रुपये के लेवल में, बाकी 20,000 रुपये आप रिजर्व रखो। आपको कभी भी अपना फुल्ली कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना होता है, आपको टुकड़ों में इन्वेस्ट करना होता है। तो हमेशा दोनों पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना होता है, ट्रेड या इन्वेस्टिंग करनी होती है। तो आप सिंपली क्या करना, जैसे स्टॉक अगर गलती से 100 रुपये 115 रुपये के लेवल में आता है, तो आप वहाँ दोबारा बाय कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 20,000 रुपये और बचा हुआ है। इसलिए आप 30,000 रुपये का बाय करो अभी 150 रुपये में, और 20,000 रुपये का बाय करोगे जब 100 रुपये के लेवल में आएगा। और जो हमारा टारगेट रहेगा वो जो पहला टारगेट रहेगा 250 का है, और जो दूसरा टारगेट है वो 300 रुपये का है। SBI के ऊपर डेफिनेटली आप इसको बाय करके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने चीज़ें आपको शेयर करी है आप इनको चेकआउट करो, काफ़ी बढ़िया है। तो आप डेफिनेटली इसमें बैट लगा सकते हो और बाय करके चल सकते हो 300 रुपये और 250 रुपये के टारगेट के लिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो डेफिनेटली वीडियो में लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और अगर आप चाहते हो कि आपके कोई स्टॉक है जो आप जानना चाहते हो कि इसका फ्यूचर कैसा रहेगा, तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बना दूंगा, तो नीचे कमेंट करो। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, सेफ ट्रेडिंग, हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।